नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, माथे की लकीरें भी बदल सकती हैं किस्मत, क्या आपके मस्तक पर भी हैं ये ऐसी रेखाएं। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। माथे की इन लकीरों का संबंध ग्रहों से जोड़कर भी देखा जाता है। इससे यह भी जाना जा सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सा ग्रह शुभ फल दे रहा है और कौन सा अशुभ। समुद्र शास्त्र की माने तो मस्तक की रेखाओं को देखकर यह जाना जा सकता है कि वह व्यक्ति कितना लकी है। माथे की ये लकीरें व्यक्ति के नेचर और फ्यूचर से जुड़ी बातें भी बताती हैं। आगे जानिए माथे की इन लकीरों के बारे में खास बातें। एक, समुद्र शास्त्र के अनुसार मस्तक के सबसे नीचे की लकीर का संबंध पैसों से होता है, इसलिए इसे धन लकीर भी कहते हैं। ये लकीर भौह के ठीक ऊपर होती है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती है व्यक्ति उतना ही किस्मत वाला और धनवान होता है। अगर ये लकीर आढ़ी टेढ़ी या उतार चढ़ाव वाली हो तो इसका अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दो, मस्तक पर धन रेखा के ऊपर जो दूसरी रेखा होती है वो हमारी सेहत से जुड़ी होती है। ये लकीर साफ दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की सेहत आमतौर पर ठीक रहेगी। अगर यह लकीर पतली और हल्की हो तो व्यक्ति को सेहत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीन, समुद्र शास्त्र के अनुसार मस्तक पर नीचे से तीसरी जो लकीर होती है वो किस्मत से जुड़ी होती है, लेकिन यह लकीर बहुत ही कम लोगों के माथे पर होती है क्योंकि हर कोई तो किस्मत वाला होता नहीं है। ये लकीर अगर साफ और स्पष्ट हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में हर सुख मिलता है। चार, माथे पर बनने वाली चौथी रेखा जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बताती है। ऐसे लोगों को 26 से 40 वर्ष तक खूब संघर्ष करना पड़ता है तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। पांच, माथे पर बनने वाली पांचवी लकीर तनाव और चिंता को दर्शाती है। कभी कभी तो ऐसे लोग अपना घरवार छोड़कर वैराग्य जीवन की तरफ चल देते हैं। छह, माथे पर छठी लकीर नाक की सीधी तरफ ऊपर जाने वाली लकीर को कहते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अप्रत्याशित सफलता मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।